अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो इस्लामियत की ताकत दिखती है, जो कुरान की ताकत दिखती है, जो नूर दिखता है कि वो मजबूर होते हैं, दबे रहते हैं, बंदूक पड़ती रहती है, पर वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो इजराइल डंका पीटता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, अल्लाह के बंदों ने घुस के मारा, पहले सूर से गए कब्जे में ले लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि इजरायली सेना, इजराइलों ने भी किस तरह से नमाज पढ़ते हुए औरतों पे लात मारा। मैं नहीं कर रहा, मैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हूँ, डंके के चोट पे कर रहा हूँ और लगातार करता रहूंगा, क्योंकि हमने ये जानते हैं हम कि इजरायली समझते हैं कि वो जो आखिरी नबी है वो उनके उम्मत से आएगा, वो हुकूमत करेंगे। देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, तुम लोग पता नहीं कौन सच्चे हिंदू को लेके आए हो, मणिपुर क्यों नहीं कूद जाते हो ना मर्दो? हाँ, मेहंदी लगी है पैरों पे, हैं? वहां महिलाएं लड़ रही हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, शर्म आती है, हैं? क्या मजाक बना रखे हो तुम कि फिलिस्तीन के मसले पे उतर जाएंगे हम लोग? अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी चीज मैं छीन लूं, कब्जा कर लूं, अब आप ये छुड़ाने जाओ तो आतंकवादी हो गए। कहां की दलाली लेके आए भाई? अरे कह रहे हैं भाई साहब कि मोदी जी के लिए आज्ञा दे, वीजा दे दे, बस पहुंच जाऊंगा। अंधभक्त को तो फिर मूतने के लिए भेजना पड़ेगा लद्दाख, जैसे मूतेंगे सामान हटा दिया जाएगा उनका, क्योंकि वहां चाइनीज सेना है, ऐसे खड़े होंगे फक्क से मार दी जाएगी उनको तीर। लद्दाख में चाइनीज सेना ने कब्जा कर लिया, तलाक से गोली मार रहे हैं, ये हालात है वहां पे। जाएंगे 56 इंच का सीना है मोदी जी का, कैसे घुस जाएंगे इसमें? अच्छा हाँ। अभी जो लद्दाख के लोग बोल रहे वो झूठ बोल रहे, तुम लोग यही बोलेंगे फिर तुम लोग को बुरा लग जाता है भाई कि आप लोग पत्रकार को पत्रकार रहने दे, उन्हें दलाल शब्द कहने पे या कोई चीज ऐसा ना लगे कि हाँ सच में आप सरकार की दलाली करने आए। आज फिलिस्तीन के मासूमों पे जो यूरोपियन कंट्री की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से ज्यादा मासूमों का कत्ल इजराइल कर चुका है, उस पे तुम लोग गोदी मीडिया की खून नहीं खोला तब ह्यूमन राइट का कत्ल नहीं हुआ, आज गाजा पट्टी ने उनका बदला लेने के लिए क्या हमला कर दिया, वो आतंकवादी हो गया। मतलब भारत के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, भारत को बेचारे वो आतंकवादी थे? अरे तो सिविलियन को मारे, बच्चों को उठाया, महिलाओं को उठाया, ऐसे थोड़ी होता। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम में बच्चे बूढ़े और महिलाओं पे हाथ उठाना वैसे ही गुनाह है, जो भी चाहे फिलिस्तीन करे चाहे इजराइल करे वो गुनाह है। लेकिन इजराइलों ने भी किस तरह से नमाज पढ़ते हुए औरतों पे लात मारा, घसीटा, बच्चों को घसीटा, मस्जिदें में रोक जाने से रोका, वो मस्जिदें अक्सर थी। अच्छा बताइए, हिटलर जब भगाया था तब तक वहाँ कौन था? कौन था? फिलिस्तीनी था। मस्जिदें अक्सर थी वो, वहाँ सब नमाज पढ़ते थे, उनकी जमीन थी, वो अपना काम करते थे, तो वो जमीनों में कब्जा करके आप अपना कब्जा दिखा रहे हो। इसी तरह तो आप अंग्रेजों ने हमारे पर कब्जा किया था। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हिंदू तो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। कौन कर रहा? हिंदू तो इसराइल, मोदी। देखो हिंदू नहीं कर रहा है, मोदी कर रहे हैं, अंधभक्त कर रहे हैं, जिनको आप नहीं कर रहे हो। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हूँ, डंके के चोट पे कर रहा हूँ और लगातार करता रहूंगा, क्योंकि हमने ये जानते हैं हम कि इजरायली समझते हैं कि वो जो आखिरी नबी है वो उनके उम्मत से आएगा, वो हुकूमत करेंगे। मोहब्बत क्यों है इतनी मुसलमानों से? तुम्हें मोहब्बत क्यों है इतनी नफरतियों से? मुझे तो मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल है, तुम ही हो भाई। मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, 40 करोड़ मुसलमान हम एक साथ बैठे खाए पिए हैं, एक ऐसा सवाल है, मुसलमान हमारे अपने हैं, इस देश के हैं, बात खत्म। पंडित इसराइल उसके साथ है, फिलिस्तीन के साथ? बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ है। जाएंगे फिलिस्तीन? बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो जाएंगे। अगर मंदिर, अगर राम मंदिर की बात आएगी तो भी हम जान लड़ाए थे। हाँ। अगर मस्जिद अक्सा की बात आएगी तो उससे भी जान लगा देंगे। मंदिर भाई, हम सन्यासी हैं, मंदिर मस्जिद कहीं की बात आएगी हम सबसे आगे जाएंगे, बोलेंगे, दलाली करने वालों नहीं देंगे हम। इजरायलियों का इतिहास बड़ा गंदा है। लेकिन हमास ग्रुप को आतंकवादी बता रहे इंडियन मीडिया। इंडिया मीडिया दलाली खा चुकी है, वो मणिपुर के बारे में नहीं बताएगी। हमास मीडिया वहीं की है, वो हमास वहीं के लोग हैं। हाँ। वहीं में सरकार उनकी चलती है। हाँ। गाजा पट्टी में उनकी सरकार भी चलती है। हाँ। वो चुनाव भी जीतते हैं। हाँ। तो कैसे आतंकवादियों के दलाल हो? मतलब क्या माओवादी नक्सलवादी को आप माओवादी नक्सलवादी की बोलते हो, आतंकवादी बोलो फिर तो? ऐसे वो भी संगठन है, अपने देश की उम्मत की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई ग्रुप ऐसे बने हैं, कश्मीर में बने, आपके बंगाल में जब राजीव गांधी का हत्या करने वाला LTE ग्रुप,
ऐसे कई ग्रुप बने तो वो आतंकवादी थोड़ी ना थे। ये प्रधानमंत्री का चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने का स्टंट, के मुसलमानों और हिंदू में करा देंगे हम चुनाव जीत लेंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है दलाली। फिलिस्तीन के बच्चों में और फिलिस्तीन के लोगों में अगर आप देखिए तो सच में जो इस्लामियत की ताकत दिखती है, जो कुरान की ताकत दिखती है, जो नूर दिखता है कि वो मजबूर होते हैं, दबे रहते हैं, बंदूक पड़ती रहती है, पर वो अल्लाह 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 कह नहीं छोड़ते हैं। यहाँ की मुसलमानों की तरह नहीं टिकटॉक में मुजरा गाते हो, हाय हेलो, चलो बेसर मो, तुम क्या जानते हो इस्लाम के बारे में, क्या जानते हो इस्लाम के बारे में, क्या इस्लाम? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ पे शांति की बात की जाती है। इस्लाम में जो चार किताबों का मतलब अल्लाह ने चार किताब भेजी, लेकिन इस्लाम जो नबी आए वो पूरे उम्मत के लिए आए, पूरे उम्मत के लिए, पूरे लोगों के लिए आए, और सारे नबियों को उनको मानना पड़ेगा। जैसे कि ये मुसलमानों का मानना है फिलिस्तीनों के, और ये सच है कि हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफर था वो भी तय कराया गया है, वो भी सब आपको क्या बताएं। और जहां तक आप इस्लाम की बात करते हैं, मोहम्मद साहब की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, तो उनके तो पैरों की धूल भी नहीं है फिलिस्तीनी। अच्छा, फिलिस्तीनी अल्लाह को तो मानते हैं, मोहम्मद साहब को नबी भी मानते हैं, तो उन्हीं अल्लाह ने तो फरमाया है कि लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, उसके अलावा और कोई नहीं, तो फिर ये मसला कहां से आया? लेकिन आप चाहते हो कि वो जो लास्ट पैगंबर हो वो आपकी उम्मत का हो, आप हुकूमत करो, और ताबूत सकीना जो बक्सा था, जादुई बक्सा, वो आपको मिल जाए और आप फिर हुकूमत कर लो, तो नहीं कर पाओगे। हुकूमत सिर्फ है इस्लाम की, अपना पुराना हक मांग रहे ना, वो भी तो कह रहे कि 3000 साल पहले जो थे हमारे आबाद जो थे उनकी जगह थी, अब हमने वापसी ली है। कोई जगह उनकी नहीं थी, कभी थी नहीं जगह इनकी। ये याकूब इस्लाम के वंशज हैं, इनको इनकी कोई जगह नहीं थी। ये लोग सिर्फ इस्लाम, इस्लामियत, इंसानियत और रूहानियत को मिटाने आए हैं। ये सीधी चोट इस्लाम की है। अच्छा। इस्लाम पे चोट है, इसी जो मुसलमानों पे है। ये सभी इस्लामिक कंट्रियों को इसमें एक साथ मिलकर फिलिस्तीन का साथ देकर, अगर आप उनके लोगों को मारोगे, नमाज नहीं पढ़ने दोगे, मस्जिदों में जाओगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमास के लोगों को महिलाओं बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यही चीज तो फिर इजराइल भी करता है ना, बच्चों का रेप, लोगों को मारना, काटना, मस्जिद धक्का देना, चलते हुए गोली मार देना, ये दोनों तरफ से हो रहा है, कोई एक नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी फिलिस्तीन की ज़्यादा है, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह ने जिस तरीके से इस कुरान में सिखाया है जंग करने को, आप उसी हिसाब से जंग करिए, अपने हिसाब से जंग मत करिए। ऐसा सबक सिखाया जाएगा, दुनिया याद रखेगी, ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इसराइल सबक सिखाने के लिए पैदा ही नहीं होगा। आप 400-500 साल तक कभी ये समझ लीजिए कि उम्मतें खत्म हो जाएगी अब आने वाले समय में इनकी। लेकिन देश के मुखिया जो हैं, आप जो है भारतीय होके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देश के मुखिया नरेंद्र मोदी फोन पे बता रहे हैं नितिन्याहू को कि भारत और भारत की जनता आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला, भारत और भारत के मुसलमान, भारत के सेकुलर हिंदू, और भारत के साथ तमाम जनता जो फ्रीडम फाइटर को मानती है, देश की आजादी के संघर्ष को मानती है, वो फिलिस्तीन के साथ है। प्रधानमंत्री को उसको सोचना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक बार एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, पिछले प्रधानमंत्रियों के बयानों को देखिए, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये बयान सुन तो, अरे सुना करो यार, अपने उनके ही नेताओं के बयान नहीं सुन पा रहे हो तुम, पोल खुलने का डर है क्या? अटल का कौन है? तो अटल वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इस विचार, उन्होंने जो 17-18 में हैप्पीनेशन थ्योरी दी थी, अब तो ये भी हैप्पीनेशन पूछे तो डर जाओगे। हैप्पीनेशन थ्योरी में उन्होंने कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, उसके अस्तित्व के साथ, उसके लड़ाई के साथ है, और उन्होंने इसराइल को वादा किया, इसराइल से कहा था कि आप इन दिनों को आपसी मसलों को सुलझाएं। जब वो आपसी मसला बता के आए थे तो आप वो फोन क्यों कर रहे हैं, और वही फोन उनका वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर दलालो उस पर गिग्गी बंद, मैं तो डर गई। तो वही मैं कह रहा हूँ, दलालों की बात मत करो, बेमतलब की बात मत करो। जो लोग आगे हैं क्या, मोदी जी से ज्यादा हैं क्या? देश का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री? मोदी जी देश के बाप नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। मैं बता दूं, मोदी जी देश के बाप नहीं है। अरे किसी की नहीं चलेगी, यहाँ इंसाफ की चलेगी, जनता की चलेगी। मोदी जी भगवान नहीं है, नौकर है जनता के, और हम जनता हमने उनको वोट दिया है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इजराइल डंका पीटता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, अल्लाह के बंदों ने घुस के मारा, पैसूर से गए कब्जे में ले लिए, पहली बार ऐसा हुआ कि इजरायली सेना 1200 लोगों को उन्होंने मारा। 1200 लोगों को, जो कि आंकड़े मेरे पास अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन 1200 लोगों को लगभग मारा है। अब 1000 लोग फिलिस्तीन के, मतलब लाइन जो परिंदा नहीं मारते थे कि जब 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 हक की आवाज उठती है, मुसलमान को कोई छेड़ता है, तो 72 भी कर्बला के मैदान में हावी पड़ जाते हैं। तो यह हाथ बहुत है, वो सच्चे मुसलमान हैं। टिकटॉक वाले तो है नहीं, मुजरा गाने वाले
वो तो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान है। देखिए जो है फरिश्ता, देखिए अल्लाह कुछ ना कुछ तो मदद भेजेगा अपने बंदों पे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर अभी 40-50-100 ही लोग पहुँचे हैं तो ये हालत ख़राब है कि उन्होंने जो कि जंग के रूल के खिलाफ है कि आप किसी का खाना पानी बिजली रोक नहीं सकते। यूक्रेन रशिया में उसने ये सब चीज़ें नहीं रोकी, युद्ध के खिलाफ है। अगर इसराइल इस नीच हरकत तक आ चुका है इसका मतलब कि वो हार चुका है। अगर ढंग से लड़ाई आमने सामने इसराइल और फिलिस्तीन की हो जाए ना तो मुंह तो मारेंगे पैंट में, इससे बड़ी बात क्या बोले। इजरायली जो कि नकली है इजरायली है, असली इजरायली कभी, असली इजरायली जो उनको जिनको उन्होंने शरण दी थी वो इजरायली तो है नहीं, उनको प्लान करके बसाया गया इस्लाम खत्म करने के लिए। तो क्या फलस्तीन आजाद होगा? आजाद हो गया समझो, ढंग से युद्ध हो जाए तो आजाद हो गया। इजरायल नेतन्याहू करें निशान मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे इजराइल को। इजराइल नक्शे से गायब होगा, दिखना आने वाला समय नक्शे से गायब है इजराइल। इजराइल गायब होगा हाँ, और गाजा को गायब करने के चक्कर में अभी तक रॉकेट से 2000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी सिर्फ उड़न खटोला से लोग पहुंचे हैं, अभी इसराइली उड़न खटोला से लोग पहुंचे हैं, तो ये आफत है। कई सही तरह से लोग पहुंच गए ना, इसराइल को छुपाने के लिए सर नहीं मिलेगा कई जगह, ये जान लो आप। इसराइल पूरी तरह से हार मानेगा और इसराइल हार मान रहा है अंदर अंदर, इसराइल हार मान चुका है। अरे उनका देखे उनका बकवास की देखे, मणिपुर में कितनी बक्कल उतारी गई दलालो, तुम लोगों को नहीं पता होगा मणिपुर में बक्कल उक्कल नहीं उतारी गई, दलाली वाला काम मत करो, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी नेता करे चिन्हित किया जाएगा उनको भारत में जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हम प्लीज हमें चिन्हित करो, जेल में डालो। अब अटल बिहारी वाजपेयी के जितने भी लोग उनको जेल में डालो, भाजपा के नेताओं को जेल में डालो जिन्होंने बयान दिया था पहले। ये दलाल लोग हैं, दलालों की बात मत सुनो, ये ना मर्द हैं संगी, ये कुछ नहीं जानते हैं। बाबा के प्रदेश में एफआईआर हो गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये गलत है। अगर कोई अपने धर्म के, अपने मस्जिद, अपने लोगों के हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको जायज बनना चाहिए। बात को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी इस मसले पे एक तरफा इसराइल को समर्थन नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।